आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे पीने से डिलीवरी के बाद ना तो आपका पेट निकलेगा ना ही आपकी कमर में दर्द होगा। और कई महिलाओं को बादी हो जाती है जिसकी वजह से उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, खासकर उन महिलाओं को जिनका सी सेक्शन हुआ होता है। साथ ही सर्दियों के सीजन में इस ड्रिंक को आप हल्का गुनगुना करके पिएं तो आपका और आपके साथ साथ आपके बच्चे का डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। आपका बच्चा यदि ज़्यादा पॉटी करता है और उसे मतलब दूध पलटने की आदत है तो उसकी यह सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी खांसी जुकाम नहीं होगा। आपको अपना पेट बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ इस ड्रिंक को पीने से। लेकिन फ्रेंड 6 महीने तक आप इस ड्रिंक को अवश्य पिएं। सर्दियों के सीजन में आप इसे हल्का गुनगुना करके पी सकती हैं और गर्मियों के सीजन में आप इसे फ्रिज में रखकर भी पी सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ये ड्रिंक नहीं पीना है। साथ ही अगर आपने 1 साल तक इस ड्रिंक को पी लिया तो आपको बादी जैसी कोई भी समस्या कभी नहीं होगी। फ्रेंड्स ब्लीव भी, अगर आपने इस ड्रिंक को पी लिया तो आपका पेट कभी भी नहीं निकलेगा। आगे का वीडियो देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ मेरी किचन में। फ्रेंड्स स्टार्ट करती हूँ अब मैं अपना वीडियो। आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, 1 चम्मच अजवाइन, और ये एक मैंने साबुत हल्दी का पीस लिया है, और ये 1 इंच सौंठ, सूखी हुई अदरक को सौंठ बोलते हैं। आप इसे किसी भी जनरल स्टोर से खरीद सकते हैं या आपको मिल जाएगा, बड़े ही इजिली मिल जाएगा। मैं इसे आपको 1 लीटर पानी में भी गर्म करके दिखा रही हूँ, लेकिन जितना ही इंग्रेडिएंट है इससे 5 लीटर पानी आराम से गर्म हो जाएगा। पानी मैंने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। इसके बाद आप इसमें मेथी दाना डाल दें, फिर अजवाइन डाल देना है, और इसके बाद आप ये दोनों चीजें भी डाल दें। कम से कम आप इस पानी को 15 मिनट तक गर्म करें जिससे कि इसमें पड़े हुए इंग्रेडिएंट की गुडनेस अच्छी तरह से इस पानी में आ जाए। फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं, ये ड्रिंक बनकर रेडी हो गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसे आपको पानी की तरह पीना है, मतलब जितनी बार भी आप जैसे दिन में पानी पीते हैं, मॉर्निंग में, दोपहर में, रात को, शाम को, खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, आपको इसे तब मतलब पानी की जगह आपको इसी ड्रिंक को यूज करना है। आप नॉर्मल पानी बिल्कुल नहीं पियेंगे। अगर बीच में आपने नॉर्मल पानी पी लिया तो फिर इसका फायदा आपको पूरा नहीं होगा, उल्टा हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान भी कर जाए, जैसे कि बच्चे को लूज मोशन होने लगे या फिर उसे कोल्ड हो जाए, क्योंकि ये गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। और जो पानी हम नॉर्मली पीते हैं वो तो नॉर्मल पानी होता है, इसलिए आप सिर्फ इसे ही पिए। अगर गर्मियां चल रही हैं तो आप इसे बॉटल में भर के फ्रिज में रखकर ठंडा करके भी पी सकते हैं, और सर्दियों के सीजन में आप इसे ऐसा ही पी लें, या फिर हल्का गुनगुना पीना चाहें तो हल्का गुनगुना पी लें। मैंने अपनी डिलीवरी के बाद इसे कम से कम 10 महीने तक पिया है, और अगर आपने भी इसे 10 महीने तक पी लिया तो कभी भी आपका पेट नहीं निकलेगा, आपको बादी नहीं होगी, आपका फैट नहीं बढ़ेगा, और गैस, एसिडिटी जैसी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फ्रेंड्स इस ड्रिंक को पीने से आपका और आपके बच्चे का डाइजेशन भी बिल्कुल ठीक रहेगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। अब मुझे पूरा यकीन है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।